आपसे पहले शुरुआत करेंगे, तो ये जो बजट आ रहा है, किस तरह के अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या वित्त मंत्री खुश करेंगी? कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट हो पाएगा इस बार? गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए बिल्कुल, ये जो बजट आ रहा है ये बहुत ही बढ़िया बजट होने वाला है, और जिस तरह से मोदी 3.0 जो अब यहाँ पे चलने वाली है, जो एक थीम, वो मुझे लगता है कि उसके तहत बजट बढ़िया यहाँ पे रहेगा और सभी तरह के सेक्टर्स यहाँ पे बढ़िया, मुझे लगता है कि एक मिलता हुआ नजर आएगा, एक बूम मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो एग्री सेक्टर में मुझे लगता है कि काफी बढ़िया रिफॉर्म्स होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि इलेक्शंस के दौरान भी इस बात पे सबकी नजर गई कि एग्री सेक्टर एक बहुत अहमियत यहाँ पे रखता है, तो डेफिनेटली ये एक सरकार के रडार पे सबसे पहला सेक्टर है और इसको काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो मुझे लगता है एग्री रिलेटेड जितना भी यहाँ पे सेक्टर्स हैं, चाहे से वो फर्टिलाइजर सेक्टर्स हो, चाहे से वो एग्री डिमांड रिलेटेड जो भी सेक्टर होते हैं, FMCG वगैरह, तो काफी अच्छा मेरे को लगता है मोमेंटम हमें इन सभी तरह के सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ केपेक्स की बात करें तो बिल्कुल गवर्नमेंट के रडार पे जो शुरू से रहा है, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए भी मुझे लगता है कि बजट एक बढ़िया सौगात लाता हुआ नजर आएगा। और तीसरी तरफ डिफेंस से भी हमें काफी ज्यादा उम्मीद है कि डिफेंस के क्षेत्र में और ज्यादा यहाँ पे कदम आए जाएंगे, जो कि इस क्षेत्र को एक तेजी देता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है बजट बढ़िया होगा, जो उम्मीदें की गई हैं उनसे भी मैं तो काफी अच्छा मानती भी चल रही हूँ, और मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट्स में जो ये तेजी है ये आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो एग्री, रूरल, FMCG, कैपेक्स, डिफेंस, ये एक कुछ की सेक्टर्स होंगे कि एरियाज होंगे जिस पर कि इस बार सरकार का फोकस रहेगा। तो चलिए, सरकार की तो तैयारी शुरू हो चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्वारंटाइन में भी जा चुकी है और वहाँ पर तो उन्होंने तैयारी अपनी शुरू कर दिया अगले बजट की। अब हम भी यहाँ से आपकी तैयारी आज से शुरू कर देंगे।